जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा क्या सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ नजर, टोना, टोटका, हाय, बद्दुआ, कोई काम नहीं बन रहा। कितनी सारी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं, जिनका कि हमें सार ही पता नहीं चलता, जिनका कि हम हर कुछ करके थक गए, कोई रिजल्ट ही हमें नहीं मिलता। तो हम एकमात्र जायफल का ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी सारी परेशानियों का अंत हो जाए? तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूं जायफल की। एक जायफल किस प्रकार आपका जीवन बदल सकता है, किस प्रकार आपके जीवन में लगी खुशियों को, लगी हुई बुरी नजर को उतार सकता है, किस प्रकार आपकी खुशियों के लगे हुए ग्रहण को दूर कर सकता है। आपको करना क्या है कि रविवार का दिन होना चाहिए प्रारंभ करने के लिए। उसके बाद आप हर दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, या 5 रविवार, 7 रविवार, 11 रविवार, या लगातार 5 या 7 दिन कम से कम आपको करना होगा। चाहिए कुछ भी नहीं, एक जायफल। जायफल क्या है? एक मसाला है, साबुत मसाला है। अगर आप मसालों की शॉप पर जाते हैं जहां से आप मसाले खरीदते हैं, आप बोलेंगे जायफल दे दो, तो वो जायफल आसानी से आपको मिल जाएगा। एक साथ थोड़े से ज्यादा जायफल ले आइएगा, 5 दिन करना हो, 7 दिन करना हो, 11 दिन करना हो। कम नजर है, ज्यादा नजर है, व्यापार रुक गया, मंगल कार्य रुक गए हैं, तो आप उसे अकॉर्डिंग उतने जायफल एक ही बार लेकर आ जाइएगा। ऐसा नहीं एक दिन एक लेने चले गए, एक दिन दूसरे लेने चले गए, इकट्ठे लाकर आप रख लीजिएगा जायफल। थोड़ा सा आपको कपूर चाहिएगा, प्रातःकाल, बहुत प्रातःकाल, मतलब सूर्योदय के समय आपको उठना है। अगर कोई नजर, हाय, दोष, बद्दुआ लग गई है, आपको लगता है किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, हमारे तो मंगल कार्य बंद हो गए, हमारा तो व्यापार चलना बंद हो गया, हमारी तो नौकरी छूट गई, हमारा तो विवाह की बात बनते बनते टूट गई, अनेकों ही समस्याएं हैं। आपको जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको ये समस्याएं लगती हैं, यानी मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, या मैं, या मेरे परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य है जो बहुत खुश रहता था, अब डिप्रेशन में आ गया है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, या मैं खुद पहले बहुत खुश रहती थी लेकिन अब मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आती जा रही है, ईश्वर के ऊपर से मेरा विश्वास ही उठता जा रहा है कि मेरा ही काम नहीं होता जबकि सबके काम होते हैं। पहले तो इस तरह के भावों को अपने मन में से निकालने का प्रयत्न कीजिए। नेगेटिविटी जो है वो अनेक परेशानियों का एक कारण है, ठीक है? आप अपने मन में से नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल दीजिए कि ऐसा सबके साथ, आप ही के साथ नहीं हो रहा, ऐसा सबके साथ होता है। किसी के साथ थोड़ा कम, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, किसी के साथ पहले ठीक हो जाता है, किसी के साथ थोड़ा देर से ठीक होता है, लेकिन ठीक भी सबका होता है। बुरा और अच्छा समय आता भी सभी के पास है और ठीक भी सबका होता है। उपाय करने की जरूरत होती है, वो भी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ, कि अब ये मेरा कर लिया ना, बस अब मेरा काम हो गया, अब मैं ये कर रही हूं ना, अब मेरा ये काम हो गया। आपको करना क्या है, एक जायफल लेना है, जो भी व्यक्ति हो उसके सिर के ऊपर से 12 बार, 12 टाइम, यानी कि 12 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, उल्टा फेरना है, जैसे घड़ी की उल्टी सुई चलती है ना, 12 बार उसके सिर के ऊपर से आपको उस जायफल को उतारना है, ठीक है? एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिएगा, कोई मिट्टी का सकोरा हो, कोई मिट्टी का पुराना दीपक हो, इसमें नए चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक ही हमेशा भी यूज हो जाता है, तो वो कोई भी आप एक मिट्टी का ले लीजिएगा, ढक्कन हो किसी भी चीज का वो ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में कपूर रखिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा। अब ये उतारने के बाद आपके पास ये सामग्री तैयार होनी चाहिए, एक लोटे में जल और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कपूर और एक माचिस। आप लेकर आप वहां जाइए, आपके घर की बालकनी हो, आपके घर का छत हो, आपके जो घर का वरांडा हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर के बाहर भी हो तो कोई समस्या नहीं है, सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है? अपने मन की बात हाथ जोड़कर करिए, फिर उस कपूर को जलाइए और उसके अंदर वो जायफल जो आपकी मुट्ठी में बंद है, वो जायफल जो आपके हाथ की मुट्ठी में बंद है, हाथ कोई भी हो, आप उतारेंगे तो सीधे ही हाथ से, वो जायफल उस जलते हुए कपूर के अंदर डाल दीजिए। और जितनी देर वो जायफल वहां पर जलता है, जितनी देर वो जायफल वहां पर जलता है, कपूर जलता है, उतनी देर आपको वहीं पर खड़े रहना है,
या वहीं पर बैठे रहना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जो भी नजर है, दोष है, बद्दुआ है, हाय है, बीमारी है, हरी है, नफा नुकसान है, परेशानी है, वो सब जलकर राख हो गई, वो सब जलकर राख हो गई, वो सब जलकर राख हो गई। इस तरह से आपको करना है। आप रविवार से इसको कार्य को प्रारंभ करेंगे। प्रातः काल उठना है, नहा धोकर बिल्कुल एकदम सूर्य उदय हो रहा है और आप इस कार्य को कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति मानता है या नहीं मानता है तो भी आप उसके ऊपर से, अगर वो सो भी रहा है तो आप सोते हुए व्यक्ति के ऊपर से भी, सिर के ऊपर से 12 बार उसको उतार के उल्टा और कर दीजिए। इसमें मैं फिर आपको बता दूं, मैं कभी भी कोई भी टोना टोटका नहीं बताती हूँ, कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं होती है, कोई भी नुकसान की बात दूर से दूर होती ही नहीं है। होगा तो सिर्फ फायदा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिर्फ फायदा होगा, कोई भी नुकसान इसके अंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात से बेफिक्र रहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि लेटे हुए इंसान के ऊपर से या सोते हुए इंसान के ऊपर से भी आप इसको उतार सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे बैठाकर उतारना चाहे बैठा के उतार लीजिए, लेटा के उतारना चाहे लेटा के उतार लीजिए। आप स्वयं अपने लिए भी कर सकती हैं अगर आपको कोई परेशानी है, लेकिन हाँ खड़े होकर नहीं करना है। आप किसी एक स्थान पर बैठ जाइएगा, दिशा कोई भी हो, दक्षिण दिशा की ओर मुख हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी दिशा हो और अपनी तरफ से 12 अपने ऊपर से ही 12 बार उल्टा उतारिए और उसको जाकर कपूर में भगवान जी को जल दीजिए। उसके बाद कपूर जलाइए और कपूर के अंदर उस जायफल को डाल दीजिए। जल गई सारी समस्याएं, जल गई सारी परेशानियां, जल गई सारी नजर, अब बनेंगे सारे काम, अब बनेंगे सारे काम, अब बनेंगे सारे काम। ऐसे भाव रखते हुए इस उपाय को करके तो देखिए एक जायफल कितना चमत्कार आपके जीवन में लाएगा कि आप खुद बोलोगे कि वाह बहुत अच्छा हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।